साहबुद्दीन का जन्म बिहार के सीवान जिले के प्रतापपुर में 10 मई 1967 को हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पहले प्रतापपुर से हुई, फिर सीवान से हुई। उन्होंने सीवान के डीएवी कॉलेज से स्नातक के पश्चात राजनीति शास्त्र में एमए की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने 2000 में मुजफ्फरपुर के बीआर अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, जो काफी विवादों में रही। उनकी शादी हिना शेख से हुई, जो 2009 में सीवान लोकसभा सीट से राजद की तरफ से चुनाव लड़ी थी और हार गई थी। उनके एक पुत्र और दो पुत्रियां हैं। महज 21 साल की उम्र में साहबुद्दीन के खिलाफ सीवान के एक थाने में पहले मामला दर्ज हुआ था। धीरे धीरे साहबुद्दीन सीवान के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गए। साहबुद्दीन पर उनकी उम्र से भी ज्यादा 56 मुकदमे दर्ज हैं। और इनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इनकी प्रॉपर्टी 5 मिलियन के आसपास है। इनके पास एक घर, कार और कई बाइक्स हैं। बिहार के सीवान को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का शहर कहा जाता है। लेकिन इसके साथ ही सीवान के पूर्व सांसद और बाहुबली मोहम्मद साहबुद्दीन को कौन नहीं जानता। भारत के सबसे दबंग सांसदों में से एक, भारत के सबसे मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में शामिल और राष्ट्रीय जनता दल के ये पूर्व सांसद वर्तमान में कई तरह के आरोपों में जेल में बंद थे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी दबा दें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा।